फिर से आ गया है कोरोना। घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना। बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में शनिवार सुबह से आंधी के साथ तेज बारिश हो रही है। बारिश की वजह से तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है और इस कारण ठंड काफी बढ़ गई है। आज सुबह दिल्ली का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लगातार बारिश होने की वजह से बेघर लोग रैन बसेरों में शरण लेते नजर आए। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने ट्वीट किया है कि पूरी दिल्ली और दिल्ली NCR जैसे कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर, बल्लभगढ़, करनाल, पानीपत, गन्नौर, सोनीपत, खरखोदा, झज्जर, सोहाना, पलवर, नू, बड़ौद, बागपत और तिजारा में और आसपास के इलाकों में मध्यम से भारी तीव्रता के साथ गरज के साथ बारिश होगी। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक रविवार यानी 9 जनवरी तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस बीच अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में हुए इस बदलाव की वजह से प्रदूषण के स्तर में भी सुधार हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जनवरी में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। इस बीच दिल्ली की एयर क्वालिटी में सुधार हुआ है। सफर के मुताबिक राजधानी की वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI आज 132 दर्ज की गई है और वो भी मध्यम श्रेणी में। सफर के मुताबिक 9 जनवरी के बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी के कारण हवा की गुणवत्ता खराब रहने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तर भारत में अगले 4 से 5 दिनों तक शीतलहर के चलने की संभावना से इनकार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।